फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा और बहुत ही पावरफुल है शक्ति सर्कल अपने सामने रख लीजिए सब लोग उसका नॉर्थ ऊपर की और कर देंगे, देंगे नेगोशिएशंस को जानने के लिए कि नेगोशिएशन में आप अपनी बात कैसे रख सके और विशेषकर यह ध्यान रखना कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो चाहें वो मनवा लेंगे जो दोनों के लिए लाभकारी होगा आपके लिए तो लाभकारी होगा ही परंतु वास्तविक बिजनेस वो होता है जिसमें दोनों का फायदा होता है अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ऊपर उठना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखना कि व्यापार का अर्थ ये नहीं है कि एक का फायदा और दूसरे का नुकसान वो व्यापार नहीं होता वो टेम्परेरी होगा और जो काम में जो व्यापार में दोनों का फायदा हो वो व्यापार बार बार होगा और हम लोग उसी में विश्वास करते हैं कि दोनों का लाभ हो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो और वो बार बार हो तो आप जीवन में ग्रो करते हैं नेगोशिएशन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बात होते हुए भी कि दोनों के लिए लाभकारी बात है फिर भी बिजनेस डील्स मेच्योर नहीं हो पाते फिर भी काम आगे नहीं बढ़ पाते क्या हल है क्योंकि आप तो किसी के ऑफिस में मिलने जा रहे हैं हम ऐसी सिचुएशन को कंसीडर करके करते हैं क्योंकि तो आपके यहां कोई आ रहा है आपने तो सब वास्तु सेट कर रखा है जैसा चाहोगे वैसे रिजल्ट मिल जाएंगे और आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो नेगोशिएशंस कैसे फलित हो इसका ट्रिक छुपा है पंच तत्वों की ताकतों को जानने में क्या आप देख सकते हैं कि ये एक नेचुरल साइकिल ऑफ क्रिएशन है आपके शक्ति चक्र में आपको दिखाई देगा उत्तर दिशा में जल है पूर्व में एयर दक्षिण में फायर साउथ वेस्ट में अर्थ है फिर स्पेस है फिर आगे जाके वाटर है तो एक कुदरती तौर से कुदरती तौर पर अलग अलग दिशाओं में जो तत्व हैं, उनका एक साइकिल ऑफ क्रिएशन बना हुआ है बिल्कुल ठीक साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है यहां पर हमने स्पेस नहीं इसमें भी अर्थ ही है फायर के बाद पीला है रंग फिर व्हाइट है फिर नीला है फिर हरा है जोन को देख रहे हैं आप एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है तो वो मेटल एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट है। जिस भी सीट पे वो व्यक्ति बैठा है और आप ऑर्डर लेने के लिए जा रहे हैं कहीं भी बैठा है वो आपको तो पता चल जाएगा ना ये कौन से एलिमेंट में बैठा है तो वो किसे प्रोड्यूस करता है सपोर्ट किसे करता है अपने नेक्स्ट एलिमेंट को तो आप अपनी सीट का चुनाव कैसे करेंगे आप एक कैबिन में एक कमरे में कहीं भी जाइए सरकारी डिपार्टमेंट है कहीं भी जाइए आप फ्लाई करने लगे हैं बोर्डिंग कार्ड ले रहे हैं सीट अपग्रेड कराना चाहते, है। आप चाहते है। आप हैं, आप कहीं एप्लीकेशन दे है ना, तो आपके और उसके बीच में कोई तो टेबल होगा ना व्यक्ति के उसमें शक्ति चक्कर काल्पनिक रूप से रख दीजिए तो वो किसी जोन में बैठा होगा आप डिसाइड करोगे आपने कहाँ खड़े होके कहा बैठ के बात करनी है कर सकते हैं क्या नॉर्मल 90 cases will be across तो अक्रॉस नहीं बैठना, बैठना तो 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 पकड़ के वो व्यक्ति किसको सपोर्ट करेगा जो उसके लेफ्ट साइड में बैठा होगा यह है जब आप ऑर्डर लेने जा रहे हो जब आप सलाह देने जा रहे हो आपने ऑर्डर दिया आपने बाद में भुगताना है उसने ऑर्डर देना है तब तो क्या होगा आप उसके लेफ्ट साइड में बैठोगे और जिस वक्त आपने एडवाइस देनी है उस वक्त आप उसके राइट right में बैठोगे वो आपको अपनी सपोर्ट कंसीडर करे ऐसा कब होगा अगर आप बीइंग अ कंसल्टेंट उसके लेफ्ट में बैठोगे तो उसको क्या लगेगा यार ये तो खर्चे का ही आदमी है इसको तो खर्च क्यों क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहा है अब आपने देना है तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ मानेगा और अगर आप उसकी स्ट्रेंथ हो आपके क्लाइंट की तो वो हमेशा आपसे कंसल्ट करेगा और आप बाय डिफॉल्ट जो कुछ कहोगे वो उसको क्रिएट करेगा उसको ताकत देगा क्योंकि होना तो अलग तलों से है अंदर के तलों से होना है बाय डिफॉल्ट ये नहीं कि आपको ज्ञान कितना है ही नहीं आप सही जगह बैठ गए और आपने जो उसको कहा वही उसके लिए तो जब आपके ऑफिस में क्लाइंट आपके पास आए तो वो सेंटर से लेफ्ट में बैठा हो आप एज ए सपोर्ट काम करो बिल्कुल ठीक किसी साइड में भी वो बैठा हो ध्यान में रखते हुए कि वो कहां बैठा है उसकी दिशा और तत्व का ज्ञान आपको होना चाहिए ये बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है आपने उसके ऑफिस के बारे में एक बार जजमेंट अगर ले ली और एक केस ऐसा है कि उसके लेफ्ट में वो चेयर नहीं है सामने ही है आपको सामने जाके बैठना है आप कोर्ट में जा रहे हो आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप लेफ्ट चूज कर सको सामने ही होगा सब होगा ना तो उस सिचुएशन में क्या होगा फिर तो आप कटोगे क्योंकि एंटी हो गया ना देख रहे हैं ना आप शक्ति शक्ति चक्र से वो तत्वों का मिलान देखेंगे तो पकड़ में आएगी बात जज पश्चिम दिशा में बैठा है और आप पूर्व में खड़े हो क्या आपकी फेवर में फैसला होगा हां जब आप नीले रंग के कपड़े पहन के जाओगे मैं अब उसकी अगली अगले ट्रिक पे लेके जा रहा हूं सामने हो तो क्या हुआ आप उस रंग के कपड़े पहनेंगे और बैलेंस कर देंगे सिचुएशन आकाश और एयर के बीच बैलेंसिंग एलिमेंट है वाटर तो जैसे ही आप वाटर एलिमेंट लगाएंगे कैसे लगाएंगे नीले कपड़े पहन के जाएंगे या नीले रंग का स्टोन भी पहन के चले जाओगे वो भी काम करेगा जब आपको उस दिन तो केस ही जीतना है ना उस दिन तो वही काम करना है ना हम इसे क्या कहते हैं कि जी हम तो स्टोन बताते हैं तीन घंटों में रिजल्ट दे देते हैं हम तीन घंटे में रिजल्ट कैसे दे देते हैं पर उसके लिए आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी वो तो कोर्ट रूम जाके देखना पड़ेगा और आप जहाँ कहीं भी रहते हैं तो वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और एक हाई कोर्ट वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक चक्कर तो मारना पड़ेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके क्लाइंट्स के लिए ताकि आपको पता हो कि कोई बात नहीं ये मैं दे रहा हूं अंगूठी बनवा के रखो क्या ये ले नीलम पहन जा शाम को वापस दे जाइए जजमेंट तेरे फेवर में है ये एक गिमिक है ये एक, ये एक एल्यूजन है वास्तव में कलर्स और दिशाओं की ताकत और तत्वों की ताकत से आप प्ले कर रहे हो कह रहे हो ज्योतिष ज्योतिष कुछ नहीं लगा इसमें पर उसको क्या समझ में आएगा या कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसको कैसे तोलेगा यार ये कैसे बता रहा है नीलम इसने बता दिया इसकी महादशा नहीं नीलम का ये रिजल्ट है पत्री में यहां पड़ा है ये क्या कर रहा है ये ऐसे क्यों हो रहा है पर आपने तो एस्ट्रोलॉजी की ही नहीं ना वो एक इल्यूजन है दूसरे के लिए पर वास्तव में आपने प्ले कहाँ किया तत्वों से एलिमेंट से पंच तत्वों से आपने खेल खेला एक बिल्कुल ठीक आप चाहते हैं कि आपकी सीट अपग्रेड हो जाए कहा फ्लाइट में आपको पता चल गया बोर्डिंग पास देने वाला कहां बैठा है और आपको उससे बातचीत करने का मौका मिल रहा है स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट कलर जो सूट करता है उस कलर के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं फ्लाइट काउंटर पे खड़े हो आसमान साफ है क्या जी वहां जहाज टाइम से उतर रहे हैं क्या जो कलर ने कपड़ा पहनने और उसने आपको इफेक्ट देना है वो जब आप नीले आसमान के ऊपर चर्चा करनी शुरू कर दोगे तो वो केमिस्ट्री वही इफेक्ट बॉडी में क्रिएट कर देगी इंटरेस्टिंग मैं एक होटल में एक क्लब में गया मैं हमेशा कुर्ता प्यामा पहनता हूँ तो उन्होंने मुझे रोक लिया साहब फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना ज़रूरी है कुर्ता प्यामा के साथ क्लब में अंदर जाना अलाउड नहीं है मैंने बटन खोलने शुरू कर दिए बोले क्या कर रहे हो मैंने कहा उतार रहा हूँ उन्होंने मुझे नोटिस भी दिखाया कि कुर्ता पजामा में अलाउड नहीं है अंदर जाना तो बोले आप उतार क्यों रहे हो मैंने कहा क्योंकि आपका रूल है मैंने कहा पर इनर गारमेंट्स में अंदर जाना तो अलाउड होगा ना क्योंकि वो तो लिखा भी नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहता साहब आप तो जाओ <laughs> <laughs> तो क्या है यू हैव टू जज द सिचुएशन यू हैव टू मास्टर द सिचुएशन इट डजेंट मैटर वो टूल्स आपके पास हैं कि नहीं वही सबसे अच्छा उपाय जो उस सिचुएशन में लग के आपको डिजायर्ड रिजल्ट देते वी बिलीव इन दैट अब जब आपने किसी के लिए ऑफिस डिजाइन करना है तब आप क्या करेंगे आपने जोन सही डिसाइड कर लिया सारी चीजें सही जगह कर दी और आपको लगे कि ये व्यक्ति जो है इससे कोई भी बात करके फायदा उठा जाता है अब ये बिना बात के किसी को सपोर्टिव ना रहे लोग इसको सपोर्टिव हो जाएं पश्चिम में बैठा है वो व्यक्ति और वो कोई कहीं भी आके बैठे उसके पास जो चेयर्स हैं उनमें ही तो आके बैठेगा ना पश्चिम में बैठा व्यक्ति है और आप उसे सेफ गार्ड करना चाहते हो तो कैसे करेंगे येलो कलर यस 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 हम अर्थ यूज करेंगे कुर्सियों की पोस्ट्री के कलर के लिए अर्थ कलर यानी येलो या ऑफ व्हाइट क्यों जो पानी वाला आके बैठेगा वो तो ब्लॉक हो जाएगा पानी वाला तो ब्लॉक हो जाएगा वुड में आपने अर्थ डाला तो जब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगी तो मेटल बनेगा फायर हिट करती है मेटल को उस वो अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी तो अर्थ सपोर्ट बन जाएगी इसके लिए तो बेज कलर जो है क्रीम कलर जो है लाइटेस्ट येलो से लेके डार्केस्ट येलो तक का जो कलर है वो उसके लिए सपोर्टिव हो जाए तो आपने सीखा कलर्स को हमने कैसे डिसाइड करना है बिल्कुल क्लियर